वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. टुडे आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, दैट इज मेजरमेंट लेंथ. चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट, और मेजरमेंट किसका? लेंथ का. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स. लेंथ जो होती है, सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट, लेंथ को हम किसी भी चीज़, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लंबाई को हम किस, जैसे अगर मान लो रोड की लंबाई है, रोड की लेंथ है, या डिस्टेंस है. डिस्टेंस भी एक तरीके से लेंथ ही होती है ना, लंबाई होती है ना, तो क्योंकि वो रोड से ही कनेक्ट होती है ना, तो इसलिए आपको आपको पता होगा तब वो किलोमीटर में होता है या मीटर में होता है किसी भी चीज़ की, है ना. लेंथ जो होती है, जैसे यहाँ पे आप बोलते हैं कि इस चीज़ की लेंथ, एक रिबन है उसकी लेंथ कितनी है, तो वो मीटर में होगी, या किलोमीटर में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो मीटर में होती है. तो मीटर किलोमीटर में ही होती है, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर किलोमीटर में. और लेंथ का मीन्स होता है लंबाई. तो हमें जो क्वेश्चंस हैं किलोमीटर के, उसको हमें मीटर में चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर. सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन have already done your in your book. So let's start. Question number B, 6 kilometers. Second question, 9 kilometers. 9 kilometers. Question number C, 25 kilometers. So 49 kilometers. Okay, 49 kilo. सॉल्यूशन. सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किलोमीटर है, ओनली किलोमीटर है, और उसको किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है. तो फर्स्ट लाइन तो आपको हमेशा हर क्वेश्चन में लिखनी ही है कि 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर. ठीक है, ये लाइन फिक्स है, हर क्वेश्चन में लिखनी है, जिसमें भी आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. देन यहाँ पे आपको 1 किलोमीटर का फाइंड है ना. अब आपको मैंने बताया था 1 से ज़्यादा का आंसर फाइंड करना होता है, 1 का फाइंड आउट है ऑलरेडी, फिक्स है चीज़. अब आपको ज़्यादा का आंसर फाइंड करना होता है, तो क्या करते हैं, 1 का गिवन होती है, 1 की का अमाउंट या 1 की वैल्यू गिवन होती है. मोर देन 1 से ज़्यादा की आंसर फाइंड करनी होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपसे क्वेश्चन में नंबर है वो आप यहाँ लिखोगे कि आपको 1 की जगह किसको कन्वर्ट करना है, 6. अब 6 को कन्वर्ट करोगे तो 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से. तो 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आंसर. तो यहाँ 6000 मीटर, मीटर को शॉर्ट में एम लिखते हैं. ठीक है, 6000 मीटर, क्योंकि हमें ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1000 से. जो भी क्वेश्चन में नंबर होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से. तो 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, सब क्वेश्चन में लिखनी है ये लाइन. अब यहाँ पे कितने किलोमीटर को चेंज करना है? 9 किलोमीटर को. तो 9 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से. जिस भी नंबर को कन्वर्ट करना है उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है. सो 9 9 9000 मीटर इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सी, सेम फर्स्ट लाइन सेम है, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, एंड 1 की जगह हमें चेंज करना है तो 49 किलोमीटर. सो 49 मल्टीप्लाई 1000, जो भी नंबर होगा उसको 1000 से 49000 मीटर इज द आंसर. सो ये तीनों क्वेश्चंस किलोमीटर से मीटर में, जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर को, जो गिवन नंबर को, तो वो
इसमें कन्वर्ट हो गया मीटर में, ठीक है। 1000 को जो भी क्वेश्चन में नंबर होता है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मीटर से में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन सेकंड, इसमें भी यही है कन्वर्ट इनटू मीटर। मैं आपको मिक्स ही करवा रही हूँ क्वेश्चंस, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 किलोमीटर एंड 315 मीटर बी 5 किलोमीटर किलोमीटर एंड 210 मीटर एंड 210 मीटर किलोमीटर एंड 212 मीटर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इन 3 क्वेश्चंस को जिसमें किलोमीटर और मीटर दोनों ही हैं, ठीक है। इसमें ओनली ऊपर वाले क्वेश्चन जो थे इसमें ओनली किलोमीटर था, नीचे वाले जो क्वेश्चन है उसमें किलोमीटर और मीटर दोनों हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। तब भी आपको लाइन तो सेम ही लिखनी है कि 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। अब आपको जो किलोमीटर है में है उसको चेंज करना है मीटर में। 15 किलोमीटर को चेंज कर देंगे हम 15 मल्टीप्लाई, आप एक बार समझ लें कि यहाँ पे सिर्फ 15 किलोमीटर ही है, तो 15 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। जैसे ही 1000 से करेंगे वो मीटर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 15000 मीटर। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एंड लगा के यहाँ पे 315 मीटर भी है, तो सिर्फ जो किलोमीटर है उसको ही तो मीटर में चेंज करेंगे, जो ऑलरेडी मीटर में है उसको क्या करेंगे, उसको तो कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ प्लस करना है। इसमें मीटर वाला जो आंसर आएगा ना, क्योंकि अब दोनों क्या हो गए मीटर मीटर में हो गए, तो इसलिए आप क्या करेंगे इनको प्लस कर देंगे। 15315 मीटर दिस इज द आंसर, ठीक है। ईजी सा है, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, ठीक है। फर्स्ट लाइन सेम है, सब में लिखनी है। यहाँ सबसे फर्स्ट 5 किलोमीटर को चेंज कर देंगे, सो 5 मल्टीप्लाई 1000। सो जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर में हो जाएगी 5000 मीटर, और क्वेश्चन में 210 ये तो ऑलरेडी मीटर है क्योंकि अब दोनों मीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया, जो किलोमीटर था वो भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो अब हम ऐड कर सकते हैं 5210 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, अगेन सेम लाइन, फर्स्ट लाइन सेम है, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। यहाँ हमें 41 किलोमीटर को चेंज करना है, सो 41 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000, आंसर वी विल गेट 41000 मीटर। और ऑलरेडी जो मीटर में है 212, उसको हम प्लस करेंगे, ओके। सो I will again explain the solution of these question. So जब आपको question में only kilometer mention हो तो आपको तब भी आपको वो line तो लिखनी ही है, और meter kilometer और meter दोनों combined questions हो और उनको हमें meter में convert करना हो तब भी आपको first line same लिखनी है। सब में 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, सब में मैंने वह first line same लिखवाई है आपको। देन इसके बाद जिसमें सिर्फ किलोमीटर होता है तो उसमें आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको 1 की वैल्यू गिवन होती है, यानी 1 की वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन हाँ ये स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन का जो स्टेटमेंट है ये फिक्स है, ये चीज़ होती है ना, इसलिए हमने ये लिखा है। उसके बाद आपको जो भी ज़्यादा का आंसर फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1000 से, तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें किलोमीटर और मीटर दोनों ही कंबाइंड है,
आप सिर्फ किलोमीटर को तो ही मीटर में चेंज करोगे, बाकी जो ऑलरेडी मीटर में चेंज है उसको थोड़ा ना चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी मीटर में है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे मीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये जो नेक्स्ट नंबर होगा जो ऑलरेडी मीटर में है उसको आपको मीटर का कन्वर्ट करा हुआ जो मीटर का जो आंसर है ना उसमें आप प्लस करोगे। सो ठीक है, सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट डू दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। थैंक यू।